हेलो गाइस, हम पहुंच गए वायनाड और अगले 2 दिन तक वायनाड के अट्रैक्शंस को एक्सप्लोर करने वाले हैं। जो अट्रैक्शंस हम वायनाड में एक्सप्लोर करने जा रहे हैं उनको आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। हम निकल चुके हैं अपने पहले अट्रैक्शन बनासुर सागर डैम की तरफ। मैं आपको बता दूं कि हमने अपना जर्नी स्टार्ट किया था मैंगलोर से। मैंगलोर से वायनाड का डिस्टेंस अप्रॉक्सीमेटली 250 किलोमीटर्स का है। ज़्यादा ब्रॉड हाईवे नहीं होने की वजह से लगभग 8 घंटे का टाइम लगता है। यूजुअली हर डिस्ट्रिक्ट में सेम नाम का टाउन एग्जिस्ट करता ही है, बट वायनाड डिस्ट्रिक्ट में वायनाड टाउन नाम का कोई प्लेस नहीं है। केरला में ऐसे 2 डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिनके नेम पे कोई भी टाउन एग्जिस्ट नहीं करता, एक है वायनाड और दूसरा इडुक्की। इसलिए हम वायनाड में स्टे करने वाले हैं मनंतवाड़ी टाउन में। यहाँ पे 1500 से 2500 के बीच में आपको एक डिसेंट रूम मिल सकता है। साथ ही में मनंतवाड़ी से जितने भी अट्रैक्शंस हैं उनकी दूरी ज़्यादा नहीं है। यहाँ से बनासुर डैम की डिस्टेंस 21 किलोमीटर्स है और कुरुम्बाल कोटा सनराइज़ व्यू पॉइंट की डिस्टेंस अप्रॉक्सीमेटली 15 किलोमीटर्स है। सो ये प्लेस काफ़ी सही है स्टे करने के लिए। प्लस यहाँ पे फूड के लिए भी काफ़ी सारे अच्छे ऑप्शन हैं। एक फाइट जो हो सकती है वो वेजिटेरियन फूड के लिए, क्योंकि केरला में स्पेशली वायनाड में वेजिटेरियंस के लिए इतने अच्छे ऑप्शन नहीं। हम पहुँचने वाले हैं बनासुर डैम। ये डैम इंडिया का लार्जेस्ट अर्थ डैम है और ये काबिनी रिवर पर बना हुआ है। काबिनी रिवर जो है ये वायनाड से ही निकलती है और ईस्ट में फ्लो करके ये कावेरी में जाके मिल जाती है। काफ़ी अच्छा व्यू देखने को मिलता है बनासुर डैम पे और यहाँ का फ्लोरा एंड फौना भी काफ़ी अमेजिंग है। को अलग अलग तरह के फूल देखने को मिलेंगे। डैम का क्लोजिंग टाइम 6 PM है। इन केस डैम क्लोज हो जाता है तो आप बैक साइड पे जाके लेक का व्यू देख सकते हो, वो भी काफ़ी अमेजिंग दिखता है। प्लस वहाँ पे आपको काफ़ी सारी हिल्स देखने को मिलती हैं। अब हम आ गए हैं कुरुम्बाल कोटा सनराइज़ व्यू पॉइंट पे। ये एक सिंगल हिल है और यहाँ से आप पूरे वायनाड प्लेटू का व्यू देख सकते हो। अगर आप यहाँ मॉर्निंग में आते हो तो आपको काफ़ी सारे क्लाउड्स देखने को मिलते हैं। ऑल्दो ये वायनाड की हाईएस्ट पीक नहीं है, वायनाड की हाईएस्ट पीक चेम्बरा पीक है जिसकी हाइट 2100 मीटर्स है। इस पॉइंट की हाइट 991 मीटर्स है, बट बिकॉज ये एक सिंगल हिल है इसलिए यहाँ से पूरे रीजन का काफ़ी अच्छा व्यू देखने को मिलता है। 991 मीटर्स सुनने में कम लग सकता है लेकिन फर्स्ट टाइम ट्रैकर्स के लिए थोड़ा चैलेंजिंग टास्क है। इस हाइट तक जाने के लिए ऑलमोस्ट 45 मिनट से 1 घंटे का टाइम लग जाता है। रिमोट होने की वजह से यहाँ पर नेचर अपनी प्योर फॉर्म में दिखता है। पहाड़ियों और जंगलों के बीच से काफ़ी स्वीट सा ड्राइव है यहाँ से मनंतवाड़ी वापस जाने के लिए। अगर आप वायनाड ड्राइव एक्सप्लोर करने के लिए आए हो तो भी ये एक परफेक्ट जगह है। मनंतवाड़ी से निकल चुके हैं अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन इडक्कल केव्स के रास्ते पर। फाइनली हमें थोड़ा अच्छा रास्ता मिला है जहाँ पे हम 50-60 की स्पीड पे गाड़ी चला सकते हैं एंड और भी लेस हैबिटेट है, यहाँ की जनसंख्या और भी कम दिख रही है इस रास्ते पर। सो लेट्स गो एंड एक्सप्लोर कि इडक्कल केव्स में हमें क्या देखने को मिलता है। ये लाइन केव्स की पार्किंग के लिए ही लगी हुई है। यहाँ आके ऐसा फील हो रहा है कि कोरोना पैंडमिक की वजह से यहाँ पे भीड़ थोड़ी सी कम है, अदरवाइज यहाँ काफ़ी ज़्यादा भीड़ होती है। स्टिल अभी भी यहाँ पे काफ़ी लंबी लाइन लगी थी केव्स के टिकट काउंटर पे। ये केव्स जिस स्टोन में कार्व की गई हैं वो स्टोन काफ़ी हाइट पर, उस स्टोन तक जाने के लिए ऑलमोस्ट 350 to 400 स्टेयर्स क्लाइंब करनी पड़ती हैं एंड वहाँ से वायनाड प्लेटू का काफ़ी अच्छा व्यू आता है। ये केव्स में कुछ लाइटिंग्स हैं जिनकी एज 6000 ईयर्स एस्टिमेट की गई है। ऐसा बोलते हैं ये साउथ इंडिया में इकलौती जगह है जहाँ पे स्टोन एज की कार्विंग्स मिलती हैं और यहाँ का लिंक इंडस वैली सिविलाइजेशन से भी है। बस यहाँ पे आपको एक पैरेलल स्टोन देखने को मिलता है। 2 स्टोन्स बिल्कुल ही पैरेलल हैं एंड उनकी हाइट आप एस्टिमेट करोगे तो ऑलमोस्ट 50 फीट के ऊपर जाती है।
देखने में काफ़ी ग्रीन लगता है ये इलाका, और यहाँ पे इतना पॉपुलेशन भी नहीं है। ये केरला का वन ऑफ द लीस्ट पॉपुलेटेड डिस्ट्रिक्ट में से एक है। प्लस इसका लोकेशन काफ़ी यूनिक है इन द सेंस कि ये आपका ईस्टर्न घाट्स और वेस्टर्न घाट्स के बीच में पड़ता है, प्लस ये डेक्कन प्लेट्यू के साउथ में पड़ता है। एंड सेकेंड चीज़ ये है कि अगर आप वायनाड डिस्ट्रिक्ट देखेंगे तो इसके टॉप में कर्नाटका आता है, और ईस्ट में आपका तमिलनाडु आता है, एंड वेस्ट में केरला के दूसरे डिस्ट्रिक्ट आते हैं। अब हम कंसापारा वाटरफॉल्स की तरफ बढ़ेंगे और रास्ते में पड़ने वाले टी गार्डन की चाय का भी आनंद लेंगे। ये हरे भरे चाय के बागान जितने सुंदर दिखते हैं उतनी अच्छी यहाँ की चाय है। पहुंचने वाले हैं कैंसरपारा वाटरफॉल्स। घने जंगलों के बीच में बसा हुआ एक छोटा सा वाटरफॉल है। जितनी दुर्गम इस जगह की लोकेशन है उतना ही सुंदर यहाँ तक पहुंचने का रास्ता है। चाय के बागानों से निकलने के बाद ऊंची नीची पहाड़ियों से होते हुए ये सीधा वाटरफॉल की तरफ लेके जाता है। यहाँ वाटरफॉल के नीचे नहाने की जगह भले ना हो, बट वाटरफॉल के ऊपर एक छोटा सा पॉन्ड है जहाँ पे आप आराम से पानी में पैर डाल के बैठ सकते हो और इस जगह का आनंद ले सकते हो। अब हम वायनाड की इन सुंदर पहाड़ियों को अलविदा कहकर आगे कोझीकोड की तरफ बढ़ने का प्रयास करेंगे। आप सभी दर्शकों से मेरा अनुरोध होगा कि इस वीडियो को ज़रूर लाइक, कमेंट और शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें।